नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र कुमार है और मैं एक माइंड कोच और हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। एक माइंड कोच होने के नाते मैं पिछले कई सालों से अपना क्लिनिक चला रहा हूँ और लोगों की उसमें हेल्प करता हूँ, मेंटल इश्यूज जैसे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, कॉन्फिडेंस इश्यूज, एंगर मैनेजमेंट, इमोशनल इम्बैलेंसिंग या इस तरह की और कई डिसऑर्डर्स को हेल्प करता हूँ, उन्हें सॉल्व करने में क्लाइंट्स की मदद करता हूँ। इन दिनों बहुत सारे वायरसेस, बहुत सारे बीमारियाँ, बहुत सारे साइकोसोमेटिक डिसीज चल रहे हैं, जिसमें से एक है कोरोना। मेरा ये ऑडियो आपको हेल्प करेगा कि आप अपने इम्यून सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकें और उसके अंदर जो डर है, जो भय है कोरोना के प्रति, उसको निकाल सकें। इस ऑडियो को सुनने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। आप जो भी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, आपको वो लेते रहना है, जैसे कि हाथ धोना, हाथ मुंह ढककर छींकना या खांसना, और इसके अलावा जो भी प्रिकॉशंस आप ले रहे हैं वो आपको नहीं छोड़ना है। और अब इस ऑडियो को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले, आप अगर कोई हैवी मशीनरी पर काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, बिजी रोड पर हैं या किसी तरीके का काम कर रहे हैं, तो ये ऑडियो ना सुने। इस ऑडियो को सुनने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एकदम रिलैक्स जगह पर जाके बैठ जाएं, हेडफोन्स लगा लें और अपने आप को कम से कम 10-15 मिनट के लिए फ्री कर दें। अगर आप बिल्कुल सूटेबल जगह पर हैं जहां आप आंख बंद करके बैठ सकते हैं, तो ये ऑडियो आपके लिए है। सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अब सांस छोड़ते छोड़ते अपनी आंखें बंद कर लें। अब एक और लंबी गहरी सांस लीजिए और इस बार जब आप सांस छोड़ें तो अपने पूरे शरीर का वजन ढीला छोड़ दें। अब एक और लंबी गहरी सांस लें और इस बार सांस छोड़ते छोड़ते अपने शरीर को इस कुर्सी पर, सोफे पर या जहां भी आप बैठे हैं, पूरी तरह से ढीला और भारी हो जाने दें। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखते हुए अपनी पलकों को ढीला छोड़ दें। अब आप नॉर्मली सांस ले सकते हैं। अपनी पलकों को एकदम ढीला छोड़ दें, एकदम भारी, एकदम शांत। अपनी पलकों को इतना भारी और शांत छोड़ दें कि वो खुलना ना चाहें, खुल ना पाए, जैसे कि आपकी पलकें एक दूसरे पर पड़ी रहें, एकदम भारी पत्थर की तरह, ठीक उसी तरह जैसे कि उनमें कोई पावरफुल ग्लू लगा है, वो चिपक गई हैं। वेरी गुड। अब पलकों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। मैं 3 से लेकर 1 तक की गिनती गिनूंगा और हर एक गिनती के साथ अपनी पलकों को एकदम भारी करते जाएं। आसपास, आंखों के आसपास के मसल्स को ढीला छोड़ दें, चेहरे के मसल्स को ढीला छोड़ दें। 3, पलकें पूरी तरह से भारी। 2, पलकें एकदम शांत। 1, और पलकें पूरी तरह से भारी। अब पलकें इतनी भारी हो गई हैं कि वो खुल नहीं सकती। अगर आप चाहें तो बहुत हल्का सा ट्राई करके देखें, आपकी पलकें एकदम भारी हो गई हैं, उनको खोलने की कोशिश करें। स्टॉप, कोशिश करना बंद कर दें। अब जिस तरह से आपकी पलकें भारी हैं, इसी भारीपन, इसी रिलैक्सेशन को अपने पूरे शरीर में भेज दें। सबसे पहले अपने दोनों पांवों को इतना शांत कर दें जैसे कि वो भारी पत्थर की तरह पड़े हैं, जैसे कि उनमें कोई तनाव नहीं है। दोनों पैरों के एक एक मसल्स को बिल्कुल लूज छोड़ दें। थाइस, घुटने, काफ मसल्स, एड़ी से लेकर कमर तक,
दोनों पैरों को बिल्कुल भारी छोड़ दें। वेरी गुड। अब इस रिलैक्सेशन को आगे बढ़ाते हुए अपने चेस्ट, स्टमक और बैक मसल्स में ले जाएं और अपनी बैक मसल्स को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, एकदम शांत छोड़ दें। ऐसा सोचें कि आपकी कमर में कोई हड्डी नहीं है, एकदम जेली की बनी है आपकी कमर, सॉफ्ट जेल से बनी है, सिर्फ मसल्स हैं, एकदम लूज। चेस्ट और स्टमक मसल्स पूरी तरह से शांत, ब्रीदिंग अपनी नॉर्मल स्पीड में चलती रहेगी, सांसें अपनी साधारण अवस्था से चलती रहेंगी। अपने दोनों कंधे, गर्दन और हाथों को ढीला छोड़ दें, ठीक उसी तरह जिस तरह से बाकी का शरीर शांत है। दोनों हाथ इतने भारी, इतने शांत, जैसे कि उनमें कोई जान नहीं है। बिल्कुल सही। और अब अपने सर और चेहरे के मसल्स को ढीला छोड़ दें। बिल्कुल सही। अब आप सर से लेकर पांव तक पूरी तरह से शांत हैं, और जिस तरह से आपका शरीर शांत है, मैं चाहता हूं कि आपका मन भी उतना ही शांत हो जाए। मैं 5 से लेकर 1 तक की गिनती गिनूंगा। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक बिल्डिंग है, एक ऊंची इमारत है, और जैसे ही मैं 5 कहूंगा, उसके 5वीं मंजिल से लेकर लाइट्स बंद होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और जैसे जैसे उस इमारत की रोशनी जाएगी, आप एकदम शांत और गहरी अवस्था में चले जाएंगे। ऊंची सी इमारत है, उसकी लाइट्स बंद होना स्टार्ट होंगी और आप एकदम शांत होते जाएंगे, जैसे कि आप कोई सीढ़ी, या फिर ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि आप कोई सीढ़ियां उतर रहे हैं। 5 4 3 जब हम 0 पर पहुंचेंगे, मैं स्लीप कहूंगा और आप एकदम शांत और गहरी अवस्था में रिलैक्स होकर पहुंच जाएंगे। आप सोएंगे नहीं, आप इस पूरे सेशन के दौरान मेरी आवाज़ से जुड़े रहेंगे, मगर आप एकदम शांत और गहरी अवस्था में चले जाएंगे। 3 2 1 0 एंड स्लीप, एंड स्लीप। वेरी गुड। अब मैं पूरी तरह से आपके मन में हूँ और आपके मस्तिष्क से बात कर रहा हूँ। मैं आपके मन के अर्ध चेतन मन से बात करना चाहता हूँ, अनकॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से बात करना चाहता हूँ। जब सबकॉन्शियस माइंड मुझसे बात करेगा तो वो सिग्नल देगा। हो सकता है आपकी पलकें तेजी से हिलने लगें, हो सकता है आपकी ब्रीदिंग डीप हो जाए, हो सकता है आपके हाथों में हल्की हल्की मूवमेंट हो सकता है आपका सिर लेफ्ट राइट हिलने लगे या आगे पीछे हिलने लगे। अनकॉन्शियस के बहुत सारे सिग्नल होते हैं, इनमें से कोई भी सिग्नल वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब मैं आपके डायरेक्ट अनकॉन्शियस माइंड से बात कर रहा हूं, मैं आपके अनकॉन्शियस माइंड से बात कर रहा हूं, और आपका अनकॉन्शियस माइंड मुझे सुन रहा है। बचपन से ऐसी बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हमें होते रहते हैं, जिनको हम आसानी से ठीक कर लेते हैं। इसका मतलब हमारे अनकॉन्शियस मन में एक हीलिंग पावर ऑलरेडी मौजूद है, और उस हीलिंग का नाम है, उस पावर का नाम है इम्यून सिस्टम। मैं आपके अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपके इम्यून सिस्टम से बात करना चाहता हूं, और जब इम्यून सिस्टम मुझसे बात करेगा तो वो भी मुझे उसी प्रकार का कोई सिग्नल देगा। हो सकता है आपका सिर हिलने लगे, बहुत थोड़ा सा, हो सकता है पलकें फ्लिकर करने लगे, झपकने लगे तेजी से, हो सकता है ब्रीदिंग डीप हो जाए, या फिर और कोई भी किसी प्रकार का सिग्नल। तो अब मैं आपके अनकॉन्शियस माइंड से बात कर रहा हूं, और अनकॉन्शियस माइंड को कह रहा हूं कि वो मुझे इम्यून सिस्टम से बात करे। राइट, अब मैं आपके इम्यून सिस्टम से बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपका इम्यून सिस्टम उस एनर्जी को फिर से क्रिएट करे, जो एनर्जी आपने बचपन से यूज की है। उन सब चीजों को याद कीजिए जब आपको फ्लू, कोल्ड
या किसी तरीके का फीवर हुआ था और आपके इम्यून सिस्टम ने आपको एक दो दिन में ठीक कर दिया था और स्वस्थ होने के बाद जो आपकी बॉडी में एनर्जी थी वो एनर्जी आपके इम्यून सिस्टम ने ही बैलेंस की थी। तो इसका मतलब इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल है। इमेजिन कीजिए आसमान से एक हेल्थी सफेद रंग की रोशनी आ रही है और वो रोशनी आपके सर से होते हुए आपकी पूरी बॉडी में फैल रही है और आपके एक एक बॉडी पार्ट को वो ऊर्जा क्लीन कर रही है, चार्ज कर रही है। वो सफेद रंग की रोशनी आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा रही है। जिस तरह से कोई बैटरी चार्ज हो जाती है, जिस तरह से कोई चीज में एनर्जी भर दी जाए तो उसका साइज बढ़ जाता है, या अन्य कोई भी तरीके की कल्पना आप कर सकते हैं, ऐसा सोचिए कि आपके इम्यून सिस्टम की बैटरी उस सफेद रंग की ऊर्जा से चार्ज हो रही है और अब आपका इम्यून सिस्टम उस ऊर्जा को लेकर आपके एक एक सेल टिश्यू मॉलिक्यूल में फैला रहा है। आपके एक एक बॉडी के पार्ट में, एक एक एटम में वो ऊर्जा तैर रही है और जब तक ये हीलिंग हो रही है, कल्पना कीजिए कि आप अपने शरीर से बाहर हैं और आसमान में उड़ रहे हैं और आसमान में उड़ते उड़ते आप सफेद बादलों से होते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां एक खुला मैदान है और आपके सामने एक गहरी सुरंग है, एक टनल है। ठीक वैसी टनल जैसा कभी ट्रेन टनल्स में से निकलती है तो उस तरह की डार्क टनल, या बसें पहाड़ी इलाकों में टनल में से निकलती हैं उस तरह की टनल। और आप उस टनल के इस सिरे पर खड़े हैं और आप टनल के अंदर देख रहे हैं तो आपको दूर दूसरी तरफ थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे रही है। इस टनल के अंदर आपका सारा डर, सारी परेशानी, सारी एंजाइटी, सारा फियर, किसी भी तरह का अनइजीनेस या हेल्थ इशू इस टनल के अंदर है। ये जो डार्कनेस इस टनल के अंदर है, ये जो अंधेरा इस टनल के अंदर है, वो इसी प्रकार का फियर है, इसी प्रकार का फियर है उस डार्कनेस की तरह वहां पर मौजूद है। अब जैसे ही मैं 1 2 3 कहूंगा, आप पूरी तेजी से जान लगाकर दौड़ेंगे, देखिएगा खुद को दौड़ते हुए, और आपको दौड़कर दूसरे सिरे पर जाना है। इसके लिए आपको थोड़ी स्ट्रेंथ चाहिए, घबराइए मत। हो सकता है ये फियर एकदम से बढ़ जाए, कुछ सेकंड के लिए होगा, हो सकता है एंजाइटी तेजी से बढ़ जाए, हो सकता है आपको अनइजी लगे, लेकिन यकीन मानिए ये आज आखिरी बार होगा। अपनी हर परेशानी को यहाँ महसूस कीजिए, अपने भय को, अपने डर को, अनइजीनेस को, किसी प्रकार के वायरस को लेके जो ये चारों तरफ डर है उसको, एंजाइटी को महसूस कीजिए, या आप जो भी प्रॉब्लम चाहते हैं इस टनल के अंदर महसूस कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं 1 2 3 बोलूँगा, आप पूरी तेजी से दौड़ेंगे और दौड़ते हुए इस टनल के दूसरे सिरे पर पहुँच जाएंगे। तैयार हो जाइए, पूरी जान लगा कर दौड़ना है। 1 2 3 दौड़िए 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 और तेजी से, और तेजी से, और तेजी से, और तेजी से, फास्टर 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 फास्टर, एंड पहुंच गए। चारों तरफ खुला आसमान, पैरों के नीचे हरी घास, ठंडी हवा, न कोई चिंता, न कोई तनाव, न किसी से कुछ लेना, न किसी को देना, न कोई भय, न कोई विकृति, न कोई विकार। कंप्लीट ब्लिस, टोटल हैप्पीनेस। बहुत ही सुंदर जगह पर पहुंच गए हैं। अब आप पूरी तरह से फ्रेश हैं, लाइट हैं, हेल्दी हैं, हैप्पी हैं। अब इस पॉजिटिव ऊर्जा को लेकर वापस आसमान में उड़िए और उड़ते उड़ते अपने बादलों से होते हुए वापस वहीं पहुंचिए जहां से आपने स्टार्ट किया था। अपने आप को अपने कमरे में खड़ा हुआ देखिए। इमेजिन कीजिए कि आप अपने सामने खड़े हैं, जो कपड़े पहने हैं उन्हीं कपड़ों में,
मगर आपके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस है, एक मुस्कुराहट है, जैसे कि आप एकदम फ्रेश हो गए, जैसे कि आप नया अवतार लेकर आए हैं, ऊर्जा से भरे हुए। चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में चमक, शरीर एकदम चमकता हुआ, पूरी बॉडी में एकदम फ्रेश पॉजिटिव एनर्जी का संचार। और आप अपने शरीर की तरफ आगे बढ़िए। इमेजिन कीजिए कि आप अपनी बॉडी पर, बॉडी की तरफ आ रहे हैं, वो शरीर जो चेयर पे बैठा है। और जैसे जैसे आप आ रहे हैं, आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को कहिए कि अब आप पूरी तरह से बदल चुके हैं। कोई भय, कोई चिंता, कोई तनाव, कोई विकार, कोई विकृति अब आपको प्रभावित नहीं करती। आप इस नए अवतार के साथ पूरी तरह से खुश हैं, इसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और अपने शरीर में पहुंच जाइए। और अब उन लोगों को याद कीजिए जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उनके चेहरे सोचिए, उनके नाम अपने मन में सोचिए, देखिए कि जब आप उनसे मिलते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, जब वो आपसे मिलते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। और अब उस मेमोरी को एक छोटी सी गेंद के रूप में, एक उस पूरी ऊर्जा को एक गेंद के रूप में देखिए, और वो ऊर्जा आपके हाथ में है, एकदम चमचमाती हुई ऊर्जा, ब्लिस एनर्जी की बॉल, जिसमें वो सब मेमोरीज हैं, सब यादें हैं। और वो ऊर्जा की गेंद अब आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, और अंदर जाते ही ऊर्जा का एक ऐसा विस्फोट होगा कि आपका पूरा शरीर एनर्जेटिक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब वो ऊर्जा की गेंद आपके शरीर के अंदर है। मैं एक से लेकर पांच तक की गिनती गिनूंगा और पांच पर ये ऊर्जा की गेंद विस्फोट हो जाएगी, खुल जाएगी और चारों तरफ एनर्जी फैल जाएगी, और आप पूरी एनर्जी के साथ आंखें खोलकर इस नींद से बाहर आएंगे। वन, वो ऊर्जा फैल रही है, वो बॉल बड़ी हो रही है आपके शरीर में, सर से लेकर पांव तक ऊर्जा भरती जा रही है। टू, पूरे शरीर में ऊर्जा दौड़ रही है, संचार हो रहा है, एनर्जी दौड़ रही है, एक्साइटमेंट बढ़ रही है। थ्री, एक एक सेल टिश्यू मॉलिक्यूल एकदम चमकदार हो गया है, चार्ज हो गया है, जैसे कोई बैटरी चार्ज हो गई हो। कोई भय, कोई चिंता, कोई तनाव आपको नहीं है, कोई वायरस आपको अफेक्ट नहीं कर सकता, आपका इम्यून सिस्टम एकदम चार्ज हो गया है, और डे बाय डे ये इम्यून सिस्टम और ज़्यादा चार्ज होगा। आप जो खाएंगे वो आपकी हेल्थ को लगेगा, आप जो सोचेंगे वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। फोर, आपका शरीर एकदम नया हो गया है, सारा दर्द तनाव हमेशा के लिए चला गया है और आप किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एंड फाइव, और जैसे ही वो विस्फोट होता है, ओपन योर आइज, अपनी आंखें खोलिए, अपनी आंखें खोलिए। और चारों तरफ देखिए एक नया यूनिवर्स, एक नई ऊर्जा। अब इसे एंजॉय कीजिए, इस ऑडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। किसी भी प्रकार की तनाव, चिंता, विकार, डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई भी तरीके की बीमारी के लिए आप इस ऑडियो को यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आप बीमारी के लिए यूज़ करते हैं तो जो भी दवाइयां आप ले रहे हैं आपको छोड़नी नहीं है, या जिसे भी आप देते हैं उसे ये बात समझा दें, यह आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, उसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए है। ये उसको बढ़ाएगा, उसकी प्रोग्रामिंग करेगा, ताकि आप जो भी दवाई ले रहे हैं वो बहुत जल्दी आपको असर करे और तुरंत ही आप ठीक हो जाएं। साथ ही साथ आप किसी भी प्रकार के भय चिंता को दूर कर सकते हैं। तो दूसरों के और अपने और दूसरों के फायदे के लिए इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल हिप्नो गुरु इंडिया पर जा सकते हैं। मैं रविंद्र कुमार, माइंड कोच, हिप्नोथेरेपिस्ट, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।